क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हमीरपुर में निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आरटीओ वीरेंद्र शर्मा ने की। बैठक में सरकार द्वारा बस किराए में हुई बढ़ोतरी को अधिसूचना से पहले सवारियों से लेने के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें निजी बस ऑपरेटरों को आदेश दिए गए कि जब तक बस किराया वृद्धि की अधिसूचना जारी नहीं होती है, तब तक पुराना किराया लेने तथा समय सारणी अनुसार बसों को चलाया जाए, ताकि सवारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े और सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। बैठक में 20 निजी बस ऑपरेटर उपस्थित रहे। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के प्रधान नरेश दर्जी ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हमीरपुर में निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि अधिसूचना आने के बाद बस किराया बढ़ाया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हल्ला बोला और कहा कि कांग्रेस के पूर्व परिवहन मंत्री ने भी सत्ता में आते ही किराया बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समक्ष निजी बस ऑपरेटरों ने जायज मांगे रखी थी, जिसको सरकार ने पूरा किया है। वहीं उन्होंने बताया कि यदि भविष्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती हैं तो किराया भी कम कर दिया जाएगा। हमारा आरटीओ साहब से ये मीटिंग हुई है कि अभी जो हमारी किराया बढ़ा हुआ है, सरकार ने किराया बढ़ाया हुआ है, तो उसके बारे में हुई, तो कुछ ऑपरेटर जो हैं वो किराया वसूलने लग पड़े हैं। तो हमने आरटीओ साहब से ये तय किया कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक हम जो पहले वाला किराया है वो ही लेंगे। कांग्रेसी जो है जो सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि किराया बढ़ाया हुआ है, किराया जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उस वक्त जो जीएस बाली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, तो उन्होंने आते ही बस का किराया बढ़ाया था। परंतु इस वक्त तेलों की बढ़ोतरी हुई, दिन प्रतिदिन तेल बढ़ता जा रहा है और ट्रांसपोर्टर इतने नीचे गिर चुके हैं कि उधार ले लेके जो है तेल डाल रहे हैं। तो उस ब्याप से हमने अपनी मांग रखी, अगर एक सरकारी मुलाजिम भी है, अगर वो नौकरी करता है तो उसको सरकार समय समय पर जो है उसका वेतन जो बढ़ाती है। तो हमारी जो अभी सरकार ने किराए में बढ़ोतरी की है तो वो एक मांग के अनुसार की है कि जो उचित था वो सरकार ने किया, और अगर इस दौरान अगर तेल में कमी आ जाती है तो सरकार हमारा किराया कम करती है तो वो हमें मान्य होगा। आरटीओ वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही बढ़ा हुआ बस किराया लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निजी बस ऑपरेटरों को सवारियों को टिकट देने और वर्दी पहनकर ही बस चलाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही ऑपरेटरों को समय सारणी अनुसार बसों को चलाने को कहा गया है। बैठक के दौरान लोगों द्वारा आरटीओ कार्यालय में बस चालकों और परिचालकों की ओर से सवारियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत पर भी चर्चा की गई, जिस मुद्दे पर निजी बस ऑपरेटरों को कहा गया कि वह इस मामले को गंभीरता से लें, सवारियों को सही तरीके से उतारना और चढ़ाया जाए, इनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। जो आज इनसे बात की और जिससे सभी ट्रांसपोर्टर जो सहमत थे वो ये था कि जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अनुसार ये बसेस को चलाएं, क्योंकि टाइम टेबल को जब ये फॉलो करेंगे तो सवारी को भी लगेगा कि नहीं इतने बजे ये बस यहाँ से गुजरती है, तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा और इनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे पास बहुत सारी शिकायतें जो मिसबिहेव की आती हैं कि जी ड्राइवर ने मिसबिहेव किया या कंडक्टर ने मिसबिहेव किया, वो उससे जो एक आदमी जो एक हर्ट फील करता है तो कई बार वो इमीडिएटली फ़ोन करता है और बोलता है कि जी अभी इस पर इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, अभी किया जाए। तो मैं उनकी फीलिंग्स को भी समझ सकता हूँ कि वो काफ़ी परेशानी में मेरे से ये बातें करते हैं। तो मैंने इनको यही बताया कि कम से कम ड्राइवर कंडक्टर्स को सेंसिटाइज करें कि जितनी भी जो हमारी सवारियाँ हैं उनसे अच्छे से बिहेव करें, जो किराया लेना है वो किराया लें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सवारियों के लिए भी थी कि उनको टिकट ज़रूर दें। आज क्योंकि लगभग 20 निजी बस ऑपरेटर जो मेरे पास आए थे तो इन्होंने ये बताया कि वो किराए की जो बढ़ोतरी जो होगी वो नोटिफिकेशन जैसे इनको नोटिफिकेशन मिलती है वो करेंगे। इक्का दुक्का अगर ऐसी कोई चीज़ें कंडक्टर के द्वारा अपने लेवल पर गलती से की गई हैं तो उसको सुधार लिया जाएगा।